नमस्कार दोस्तों, मालवे टेक में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आया हुआ आईफोन 11 डेड है। आज हम इसे रिपेयर करेंगे, आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, चार्जिंग मीटर पे 0.60 एम्पीयर ले रहा है। हालांकि इसे लेना चाहिए 1.60 एम्पीयर लेना चाहिए, 0.60 एम्पीयर ले रहा है। इसका मतलब हमारा फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा। इस कंडीशन में दोस्तों हाफ शॉर्टिंग होती है फ़ोन में। चलते हैं, खोलते हैं इस फ़ोन को और देखते हैं क्या दिक्कत है इस फ़ोन में। आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर अपने। तो पूरा वेट करें, फ़ोन खोलते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों हमने डिस्प्ले ओपन कर ली है। अब चार्जर कनेक्ट करके वोल्टेज चेक करना हमें मदरबोर्ड के बैटरी कनेक्टर पे। आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, 3.3 वोल्टेज शो कर रहा है। इतना कम वोल्टेज शो करने का मतलब ये है कि इस फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है, इस वजह से इतना कम एम्पियर ले रहा है, इतना कम वोल्टेज शो कर रहा है। क्या होता है दोस्तों कि अगर ये फ़ोन बिल्कुल सही होता तो 4.2-4.1 के आसपास वोल्टेज शो करना चाहिए था इस पर, हालांकि उतना नहीं कर रहा है। और हमने बैटरी भी चेक करी है, बैटरी भी हमारी माइनस में चली गई हाफ शॉर्टिंग के कारण। अब हम इसे पावर सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं कि ऑटो एम्पीयर ले रहा है या नहीं ले रहा है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि इस फ़ोन में ऑटो एम्पीयर ले रहा है पावर सप्लाई में। ऑटोमेटिक प्लस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक एम्पीयर शो कर रहा है। हाफ शॉर्टिंग है इसमें। मदरबोर्ड खोल करके देखते हैं कहाँ है शॉर्टिंग। आप वीडियो पे एंड तक बने रहे। हमने दोस्तों इसका मदरबोर्ड अलग अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर रोजिन अप्लाई करेंगे। मल्टीमीटर से ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो हमें डाउट जहाँ जहाँ था हमने पूरे बोर्ड में रोजिन लगा दिया है, जहाँ पर हमें डाउट था। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। आपके पास 5 एम्पीयर की अगर पावर सप्लाई है तो 4.2 वोल्टेज 5 एम्पीयर आपको देना है बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर, और एक सिरा रखना है माइनस पे, ग्राउंड पे। आप जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, इसकी जो बूस्ट आईसी है वो शॉर्ट हो रही है, वो गर्म हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, बोर्ड हीट हो रहा था उस टाइम पे। तो अब इसे हम निकालेंगे और चेंज करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। आप वीडियो पे एंड तक बने रहें दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमने इसकी बूस्ट आईसी निकाल दी है, अब इसमें हम नई आईसी लगा करके फिर चेक करेंगे। ये दोस्तों, ये जो हमारी बूस्ट आईसी होती है ये काफ़ी सारे मॉडलों में लगती है। आईफोन 11 XR, XS, X, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, आईफोन XS, XS Max, इन सब में दोस्तों लगती है। आईफोन 8 और 8 Plus में भी लगती है आईसी। तो आपके पास स्क्रैप बोर्ड हो तो उसमें से भी आप निकाल के लगा सकते हो, और नई भी मार्केट में मिल जाती है। हमने आईसी चेंज कर दी है दोस्तों, बोर्ड इसका रिवॉल्व कर दिया अच्छी तरीके से। हम इसे दोनों बोर्ड को जॉइंट करके इसके बाद चेक करेंगे हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ।
जैसे कि दोस्तों देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, ठीक हो गया, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हमने बूस्ट आईसी इसकी रिप्लेस करी है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।